हाय हेलो। तो एक नया शो देखा है, एलियस ग्रेस करके। ये नेटफ्लिक्स पे जो है मिनी सीरीज है। ये एक एलियस ग्रेस नाम से एक एटवुड करके एक कैनेडियन राइटर हुई है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड राइटर हुई है। उसने एक नॉवल भी लिखा था एलियस ग्रेस नाम से, उसके ऊपर आधारित है। ये एक रियल इंस्टेंस है। 1843 में एक नियर और नैन्सी नाम के दो लोग मारे गए थे कैनेडा में। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि दो लोग जो मारे गए थे वो एक हाउसकीपर थी और एक मालिक था, और वो प्रेग्नेंट भी थी। तो उस समय की सोसाइटी के हिसाब से वो अनवेडफुल, मतलब आउट ऑफ द मैरिज वो प्रेग्नेंट थी। तो इसके चक्कर में क्या है, उनके एक नौकर था मैकडॉरेंट, कुछ ऐसे करके नाम था, मैकडॉरेंट मैकडॉरेंट, और नैन्सी जो ये हमारी ग्रेस मार्क्स है, ये दोनों जो हैं थोड़े दिनों बाद पाए गए थे। तो सीज़न जो है ये शुरू होता है हमारा कि जिसमें आयरलैंड से एक कपल है, उनके पांच बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ी बच्ची जो है उसका नाम है ग्रेस, और वो जो है वो आयरलैंड से हैं, जो आ रहे हैं यहाँ पे अपना कैनेडा आ रहे हैं। तो शिप के थ्रू आ रहे हैं ये। तो इनकी मदर जो है बच्चों की, वो जो उनकी उसकी डेथ हो गई है। यहाँ पर आके जो पति है, जो हस्बैंड था उस लेडी का, जो बाप है इसका ग्रेस का, वो बहुत ज़्यादा एब्यूसिव है, वो मारता वारता रहता है। तो वो 12 साल की बच्ची है उसकी नैन्सी, उसको नौकरी पे भेज रहा है और कह रहा है कि अपनी सारी जितनी सैलरी होगी वो मेरे को भेज देना। तो वो नौकर की जो है जॉब उसको दिलवा देते हैं कहीं पे, किसी बहुत अमीर घर में। तो वहाँ पर कई सारे नौकर हैं, पांच सात नौकर हैं, मेल नौकर भी हैं, फीमेल नौकर भी हैं। तो एक फीमेल नौकर जो उसकी उसके साथ बहुत अच्छी ग्रेस की हमारी जो है उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है, जो कि रिबेलियन टाइप है, उसका नाम है मैरी विटनी। वो बड़ी चर्पी सी लड़की है, और उसके साथ क्या होता है कि वो जिस घर में काम करते हैं, वो शी गॉट प्रेगनेंट, मैरी विटनी गॉट प्रेगनेंट विद द चाइल्ड ऑफ द ओनर सन। तो ही रिफ्यूजेस कि मैं कुछ नहीं, वो उसको पहले तो मतलब ल्यूर करता है और बाद में मना कर देता है, $5 दे देता है। वो जाके अपना जो है वो ऑपरेशन करा लेती है, और वो ऑपरेशन गलत हो जाता है, मतलब वो अपनी तरफ से जाके करवाती है अपना ऑपरेशन, बच्चा मतलब जो उसको पेट के अंदर किल करने का। तो वो उसके हिसाब उसकी लड़की की भी थोड़े दिन में, एक दो दिन में डेथ हो जाती है। तो जो ग्रेस है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, उसका बहुत अच्छी फ्रेंड होती है उसकी, तो वो उसके ऊपर, उस ग्रेस के ऊपर जो है बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इवेंचुअली फिर थोड़े दिन बाद कोई और लेडी आती है, उनके नौकर जो हाउसकीपर्स होती थी पहले, मतलब बाकी सारे नौकर, उनकी एक हेड नौकर जो होती थी, हाउसकीपर होती थी, वो हर चीज़ का ध्यान रखती थी। जो हाउसकीपर है उसके पास कोई और हाउसकीपर आई है, वो कह रही है कि अब जो ग्रेस है आप उसको $2 महीने के देते हो, मैं $3 दे दूँगी, इसको मेरे साथ भेज दो। तो वो ग्रेस जो एक्सेप्ट कर लेती है और चली जाती है। वो जाती है, वो जो लेने आती है उसको, उसका नाम होता है नैन्सी, और जिस घर में लेके जाती है वो होता है किनियर। तो जब वो, अब वो ग्रेस जो है वो 16 साल की हो गई है, तो जो नैन्सी है उसका, जैसे मैंने पहले ही बताया, उसका चक्कर है मिस्टर किनियर के साथ। और ये क्योंकि यंग है और प्रीटी है, तो इन्होंने ऐसा दिखाया कि किनियर जो है वो इसमें भी इंटरेस्टेड हो रहा है, और नैन्सी जो है वो हार्ड टाइम दे रही है इसको, क्योंकि नैन्सी जो है वो लव इंटरेस्ट होती थी किनियर का, और अब जो ग्रेस है वो उसका लव इंटरेस्ट बनती जा रही है। तो जो मैकडोरेंट के नाम का एक आदमी है, जो कि एक और ऑल्सो नौकर है इनका, वो जो लड़का है वो भी जो है वो ग्रेस को पसंद करता है। तो वो क्या करता है, वो इन्होंने ऐसे बताया कि ये एक्चुअली क्या है कि जो मैकडोरेंट है उसने मार दिया ग्रेस, उसने मार दिया नैन्सी को भी, और हमारा जो क्या नाम है किनियर को भी मार दिया है, और उसको तो फांसी भी हो गई थी 1843 में। पर जो ग्रेस है, इसको असली लाइफ की स्टोरी है ये, जो ग्रेस है उसको इन्होंने फांसी नहीं दी थी, इसको 30 साल बाद पार्डन कर दिया था, छोड़ दिया था, क्योंकि इसकी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं थी। तो इन्होंने जो नॉवल है वो, उन्होंने जो एटवुड है उसने नॉवल भी ऐसे लिखा है कि एक डॉक्टर जेरोम है, एक डॉक्टर कोई साइमन है, उसके एंड से लिखा है ये नॉवल जो है, कि वो उसका इंटरव्यू ले रहा है, वो साइकेट्रिस्ट है, वो देखना चाहता है, कि वो जान रहा है। तो वो धीरे धीरे करके इन्होंने परत बाय परत खोला है कि जो मैरी विटनी है वो स्प्लिट पर्सनैलिटी बन गई थी ग्रेस की, और मैरी विटनी जो है उसने पार्टिसिपेट किया था मर्डर में, इसके अपना किनियर जो है और नैन्सी के मर्डर में उसने मैकडोरेंट की हेल्प करी थी, और वो रिस्पॉन्सिबल थी इनकी किलिंग्स में, जबकि ग्रेस नहीं थी। वो स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला जो हमारे को फंडा पता ही है, उसको इन्होंने बताया कि वही था इसके अंदर भी, और ग्रेस जो है वो मेंटली ठीक नहीं थी, तो इसलिए उसको 30 साल बाद छोड़ दिया था।
तो ऐसे इन्होंने एंड में बताया है कि जो डॉक्टर साइमन है वो खुद इस केस के बारे में सोच सोच के थोड़ा पागल टाइप हो गया है और बात नहीं कर रहा, उसकी मदर उसकी टेक केयर कर रही है। और ग्रेस जो है उसको एक कोई उसका जब ये किनियर के घर पे काम करती थी तो कोई पड़ोस का नौकर था, बच्चा था छोटा सा, 1-2 साल छोटा था इससे, तो वो उसके साथ वो रह रही है और अब उसके साथ उसने शादी कर ली है। तो वैसे करके इन्होंने शो जो है ख़त्म कर दिया है। तो अच्छा शो है, लिमिटेड सीरीज है, देखी जा सकती है, मेरे को तो अच्छी लगी है। माई प्रेफरेंस एंड रेटिंग वुड बी से 7.5 आउट ऑफ 10। ओके।